पे जीत रखा हुआ काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल अमलु बिन्नियात, अमाल के तमाम दारो मदार नियतों के ऊपर है। तो हम हमारी नीयत साफ रखिए, हमारी नीयत अच्छे रखिए, हमारी नीयत अगर ये रहेंगी कि इम्तियाज जलील चुन के आ रहे तो इंशाल्लाह आसमान से फैसले भी वैसे उतरेंगे। और मौला मौला सारी पूरे मुल्क के अंदर दो ही हमारे शहर है जो हमारी आवाज उठाते हैं मौला, जिनमें से अगर एक चला जाएगा मौला तो यहाँ महाराष्ट्र से हमारी आवाज उठाने वाला कौन रहेगा मौला। मौला हमारे हाल के ऊपर तू तरस फरमा, ए मौला हमारे हाल के ऊपर तरस फरमा इंशाल्लाह। ये बार भी इंशाल्लाह अल्लाह ने हमारी इज्जत में समझ तो रखेंगे, और ये नौजवानों की, बुजुर्गों की, हमारी इज्जतदार माओ बहनों की, खासतौर पर मेरे नन्हे मासूम बच्चों की लिए तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। सबसे पहले तो मैं औरंगाबाद अपडेट चैनल का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जो सुबह 7 बजे से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुहिब्बा ने मजलिस तक के तमाम वोटिंग की अपडेट वो पहुँचाते रहे, मैं इनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। और तमाम उन लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक़ में वोट किया है। लेकिन अभी कुछ वक्त हमारे पास में बाकी है, मैं हर एक किसी से कहना चाहता हूँ कि कोई भी मायूस ना हो, क्योंकि ना उम्मीद ही कुफ्र है। हमको अल्लाह के जात से पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला हम कामयाब होंगे। मैं तमाम मतदार संघ के और जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन माँ बहनों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि दुआ में बैठिए, इत्तेकाफ में बैठिए, तिलावत कलाम पाक करिए। जो मेरे मर्द हजरात भाई घरों में बैठे हैं उनसे कहना चाहता हूँ कि भाई दुआओं में बैठिए, दुआओं की हमको बहुत सख्त ज़रूरत है। और मेरी माँ बहनों से गुजारिश करता हूँ कि अल्लाह ने माओं की दुआओं में बहुत तासीर रखी है, खवातीन की दुआओं को अल्लाह कभी रद्द नहीं करता, माओं की दुआओं को अल्लाह कभी रद्द नहीं करता। मैं हाथ जोड़ के आप तमाम लोगों से ये गुजारिश करता हूँ, बहुत ज़्यादा अदब के दर्जे में इल्तिजा करता हूँ कि भाई इम्तियाज जलील के हक में दुआ कीजिए। अल्लाह कुछ भी नतीजे अल्लाह गैब के इल्म रखता है, हो सकता है अगर हमारा परसेंटेज कम होगा तो अल्लाह गैब से उसको बढ़ा भी सकता है। हमारी दुआओं के अंदर बहुत ज्यादा असर है, तकदीर पे हमारा ईमान है, हम ये जो सुनने में आ रहा हम इस पे भरोसा करने वाले नहीं है। इंशाल्लाह अल्लाह ने हमारी तकदीर में जीत रखा होगा, काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल अमलु बिन्नियात, अमाल के तमाम दारो मदार नियतों के ऊपर है। तो हम हमारी नीयतें साफ रखिए, हमारी नीयतें अच्छे रखिए, हमारी नीयत अगर ये रहेंगी कि इम्तियाज जलील चुन के आ रहे तो इंशाल्लाह आसमान से फैसले भी वैसे उतरेंगे। और कोई भी मायूस ना होइए, इंशाल्लाह अल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाबी दे, अल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाबी दे, अल्लाह के हाथ को मजबूत फरमा, अल्लाह तू इम्तियाज जलील को कामयाब फरमा, अल्लाह तू गैब का इल्म रखने वाला है मौला, मौला सारी पूरे मुल्क के अंदर दो ही हमारे शहर है जो हमारी आवाज उठाते हैं मौला, जिनमें से अगर एक चला जाएगा मौला तो यहाँ महाराष्ट्र से हमारी आवाज उठाने वाला कौन रहेगा मौला। मौला हमारे हाल के ऊपर तू तरस फरमा, ए मौला हमारे हाल के ऊपर तरस फरमा, आज बातिल ताकतें हमको मिटाने के ऊपर तुली हुई है मौला। मौला सिर्फ इस वजह से हमारी दुश्मन है क्योंकि हम तेरे नाम ले रहे हैं, हमने कलमे मोहम्मद ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का इकरार किया है अल्लाह, सिर्फ इस वजह से हमारे दुश्मन बने हैं मौला। तो मौला हमारे जो रहनुमा है इनको गिरने ना दे मौला, हमारी इज्जतों की लाज रख ले मौला, हमारे उठे हुए हाथों की लाज रख ले मौला। जो लोग बैतुल्ला गए हैं मौला हज करने के लिए मौला, वो बैतुल्ला के सामने बैठकर दुआएं कर रहे हैं मौला, तो मौला उनकी दुआओं को जाया ना जाने दे मौला। छोटे छोटे बच्चों ने दुआएं की है मौला, माँ बहनों ने रोजे रखे है मौला, तू किसी इनमें से जो तेरा पसंदीदा बंदा होगा मौला, तुझको किसी की एक अदा पसंद आई होंगी मौला, तो उसके सदके में प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में अल्लाह हमारी ये सीट को, हमारी ये जीत को कामयाबी में बदल दे मौला करीम। बातिल ताकत है मौला, मौला बातिल ताकत हमको मिटाने में और डुबाने में लगी है मौला। आज जश्न मनाया जा रहा है मौला, यहाँ सारे लोग तेरी तरफ एक उम्मीद की आस लगाए बैठे हैं, अपने हाथों में उठाए बैठे हैं मौला, हमारे हाथों की लाज रख ले मौला करीम, हमारी हाथों की लाज रख ले मौला। एक कड़कती धूप के अंदर मौला सिर्फ इस वजह से खड़े है कि मुसलमानों का रहनुमा हमारे बीच में रहे, पार्लियामेंट के अंदर हमारी आवाज उठाने वाला रहे मौलाए करीम, हमारे अब हमारी दुआ को जाया ना जाने दे। हमारे तमाम यहाँ जितने भी भाई खड़े हैं इन सब के हाल पर रहम फरमा, और हमारी दुआ को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके तुफर में कबूल नुज़ूल फरमा। एक बार दिल से इम्तियाज जलील फिर से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद, इम्तियाज जलील जिंदाबाद, इम्तियाज जलील जिंदाबाद, असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद।
आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स, मैं हूं अल्ताफ हुसैन। जिस तरीके से हम देख रहे हैं आज पूरे हिंदुस्तान में लोकसभा का रिजल्ट है, कहीं पर देखा जा रहा है इंडिया अलायंस हो या उसके अलावा महायुति हो, इनमें कड़ी कहीं ना कहीं टक्कर नजर आ रही है। लेकिन इस शहर की जब मैं बात करूं औरंगाबाद जिले की, तो यहाँ पर एक अनहो का कहीं ना कहीं लोगों के अंदर गुस्सा नजर आ रहा है। मेरे बैक साइड आप लोग देख सकते हैं, लोग हजारों की तादाद में हर उम्मीदवार जो जो अपना अपना पसंद उम्मीदवार है उसको जिताने की कोशिश कर रहे हैं। उसी के चलते हर शख्स वो चाह रहा है कि किसी तरह मेरा उम्मीदवार जीते। अब जो लोग यहाँ पर सुबह 8 बजे से काउंटिंग चालू हुई, कई लोग देखा गया कि 12 बताया जा रहा है कि 12 फेरी अब तक हो चुकी है। उसी के चलते कई लोग उम्मीदें लगाए हैं, कोई उम्मीदवार आगे तो कोई पीछे। अब यहाँ पर जनता जो सुबह 8 बजे से यहाँ पर है, धूप की तपिश तो ये है, मुझे लगता है कि ये जो धूप है बहुत बुरी है। लेकिन आगे खास बात मैं आपको बताऊं कि पीने के लिए प्रशासन की तरफ से पानी भी यहाँ पर नहीं रखा गया, ना ही टेंट यहाँ पर लगाए गए कि जिसकी वजह से लोगों को राहत हो। चलिए अब यहाँ पर कुछ लोग हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा, उनसे जानेंगे हम लोग। सुबह 8 बजे से ये लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, बात करते हैं इनसे। सुबह 8 बजे से आप खड़े हैं? सुबह 8 बजे से आए हुए हैं यहाँ पे। इंचार्ज जलील साहब ही आना। अच्छा, क्या आवाज है दिल से? खुशी बहुत, इंचार्ज जलील आना बहुत, हम 8 बजे से आए हुए। अच्छा, झुकने बैठे, खास पानी की बंदोबस्त नहीं, कुछ नहीं, पब्लिक पछड़े पूरे उसके पहचान हुए। अच्छा, पछड़े पानी का उसे रखना था इंचार्ज जलील साहब ने, पानी का बंदोबस्त। इंशाल्लाह इंचार्ज जलील ही जीतेगा। समर्थन यहाँ पर लोग बहुत सारे समर्थन में है हमारे फरियाज भाई, इंशाल्लाह रोजे रखेंगे। इम्तियाज जलील साहब चुनके आएंगे तो 3 रोजे उन्होंने प्रॉमिस करे, और इंशाल्लाह अल्लाह उनको कामयाब करेंगे इम्तियाज जलील साहब। चलिए और कट कर दो। अब यहाँ पर इमायम जिला अध्यक्ष समीर साजिद बिल्डर मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मैं इनसे बात करने की कोशिश करूंगा। सर, जैसे कि देखा जा रहा है सुबह 8 बजे से आपके समर्थक यानी कि चाह रहे हैं कि एआई इमायम सांसद इम्तियाज जलील की फिर से जीत हो, लेकिन अभी देखा जा रहा है कि कई ज्यादा वोट पीछे चल रहे हैं, 38,000 लगभग मुझे लगता है पीछे आ गए हैं, तो लोगों के अंदर कहीं ना कहीं जो माहौल देखा जा रहा है आप समझ सकते हैं। 2019 के अंदर भी हम काउंटिंग से नहीं जीते थे, हम लोग जीते थे नौजवानों की दुआओं से। इंशाल्लाह ये बार भी इंशाल्लाह अल्लाह ने हमारी इज्जत मैं समझता हूँ रखेंगे, और ये नौजवानों की, बुजुर्गों की, हमारी इज्जतदार माओ बहनों की, खासतौर पर मेरे नन्हे मासूम बच्चों की जो तो चलिए क्या है, कैसे आप क्या महसूस कर रहे हैं फिर अभी, क्या किसके समर्थन में लेकर आए हैं? इंशाल्लाह हम तो इम्तियाज जलील के समर्थन में आए थे, अभी और अभी देखा जा रहा है कि काउंटिंग बहुत सारी बाकी है, बहुत ज्यादा बाकी है, इंशाल्लाह उनकी जीत ईद के लिए। आप लोग काश तुम्हारे पास खुशियों की दुकान होती, उसकी हमें पहचान होती, भर देते खुशी होते, इम्तियाज जलील साहब का दामन चाहे उसकी कीमत हमारी जान क्यों ना होती। जैसा कि हमने यहाँ पर लोगों से बात की, उसके अलावा एआईएमआईएम के जिला अध्यक्ष समीर साजिद बिल्डर भी यहाँ पर मौजूद थे, वो भी यहाँ पर हमको भावुक नजर आए। लेकिन उसी के चलते अब देखा ही जा रहा है, कुछ लोगों का ये मानना है कि ये जो लड़ाई चल रही है दो लोगों की लड़ाई में किसी तीसरा कफिर से जो है, जो 2019 में हुआ था, इस बार फिर जो है कहीं ना कहीं किसी जीतने की आशंका है। अब देखना ये है, देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रही है, कौन होगा 2024 औरंगाबाद जिला अध्यक्ष का खासदार, क्या होगा लोगों की उम्मीदों का क्या होगा, देखने के लिए औरंगाबाद अपडेट के साथ आप लोग जुड़े रहिए। कैमरामैन जियाउल हक के साथ मैं अल्ताफ हुसैन, आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट। 11,500 सुरेंद्र गजबारे 78, 7,202 संगीता जाधव 55,368 संजय शिरसाट 78, 2,310 संदीप मानकर 31,859 संदीप जाधव 9,399 हर्षवर्धन जाधव 374, 25,136 त्रिभुवन मधुकर 15,352
नोटा 270 3332 अशा पद्धतीनं राऊंड नंबर 15 नंतर 799462 मताची मतमोजणी संपन्न झालेली आहे. Thank you.